दोस्तों नमस्कार, मैं कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज गैस टीचर अनुभव प्रमाण पत्र में आ रही समस्याओं के लिए शासन द्वारा सुधार कार्रवाई के आदेश जारी किए गए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि सरकार ने जो गैस टीचर के अनुभव प्रमाण पत्र में सुधार करने के लिए जो समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं को सुलझाने के लिए 25 मई को एक आदेश जारी किया, जिसमें EKYC और सत्यापन में नवीन प्रक्रिया के संबंध में आदेश जारी किया गया है। तो इस प्रक्रिया में बताया गया है कि आवेदक के जो मोबाइल नंबर पंजीकृत हमने कराया था, तो किन्हीं लोगों के पंजीकृत मोबाइल नंबर गुम हो गए हैं या फिर किन्हीं कारणों से वह बंद हो गए हैं, तो उनके लिए क्या प्रक्रिया होगी। तो उनके लिए प्रक्रिया में उन्होंने बताया है कि जो संकुल प्राचार्य है वो अपने DDO लॉगिन से उसे सत्यापित मोबाइल नंबर जो पुराना था उसमें वह बदलाव कर सकते हैं, और जो आपने नया जो गुम गया है तो नया मोबाइल नंबर वहाँ पर उनके द्वारा ऐड किया जा सकता है। इसी प्रकार कुछ आवेदकों द्वारा EKYC नहीं हो रही थी मोबाइल नंबर गुम होने से, तो उन्होंने नया रजिस्ट्रेशन करा लिया था। नया रजिस्ट्रेशन कराने से समस्या यह हो गई थी कि उनका EKYC पुराने में भी नहीं हो रहा था और नए में EKYC हो गया था। तो यह संकुल प्रचार द्वारा सुधारा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों।